हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है परचेज एंट्रीज विदाउट जीएसटी इन जोहो बुक्स। सो दोस्तों, उसके लिए हम चलते हैं जोहो बुक्स के ऊपर। ठीक है, जोहो बुक्स हमारा कहाँ है भैया? ये रहा। ठीक है, सबसे पहले मैं डैशबोर्ड पे आ जाता। ठीक है, अब हम एंट्री करने वाले हैं जोहो बुक्स के अंदर, किस चीज़ की हमने माल खरीदा है विदाउट जीएसटी वाला। जैसे ये रहा, इनवॉइस डेट थी 1/4 को। ठीक है, हम इतना इनवॉइस नंबर था, इसे थोड़ा सा मैं 21 कर देता हूँ। इनवॉइस नंबर ये था, पार्टी नेम ऋषि क्लॉथ भंडार है, और फिर इसका एड्रेस ये है, और ये राजस्थान का ही है, और ये खरीदा हमने, गांधी टोपी और खादियान खरीदा हमसे इनसे, सॉरी। और जीएसटी रेट इतना इतना पीसेस खरीदा है 240, और ये अमाउंट थी। ठीक है, तो इसकी एंट्री करने वाले, ये इनवॉइस आया हुआ है। तो सबसे पहले हम दो चीज़ें क्रिएट करेंगे। पहला तो ये हो गया, कौन सा लेजर हो गई इसकी, ऋषि भंडार की, और दूसरा खादी टोपी की हमें क्या चाहिए, और खादियान का हमें क्या चाहिए, वो चाहिए दोस्तों, स्टॉक चाहिए, तो वो क्रिएट करेंगे। तो दोनों चीज़ क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम, चलो आइटम क्रिएट कर लेते हैं। आइटम में जाते हैं, ये देखो आइटम में, ये देखो मैंने पहले तो बहुत से आइटम क्रिएट भी कर रखे हैं, और आपको बताया भी था कैसे क्रिएट करते हैं, फिर भी मैं वापस से कर देता हूँ न्यू। दो आइटम क्रिएट कर लेते हैं, ये एक अच्छा सॉफ्टवेयर दोस्तों। एक तो ऑनलाइन है, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है, क्योंकि हम पहले क्या करते थे, टैली में चलाते थे, तो ऑफलाइन डेटा चलता था हमारा। एक सेकंड दोस्तों, मेरा नेट थोड़ा सा स्लो हो जाता है, सॉरी। हाँ, सब बिग मिस्टेक। ओके, या इनका भी सर्वर कभी कभी हो जाता है, दिक्कत होता नहीं है पर कभी कभी। हाँ, तो देखिए सबसे पहले क्या था, गुड्स है कि सर्विसेज है। हमारा क्या है आइटम, गुड्स है दोस्तों, खादी। तो चलो इस पर क्लिक करते हैं और इसको कनेक्ट करते हैं, और खादी को यूनिट किस में आता है दोस्तों, ये पीसीएस में आता है। ठीक है, तो इसमें पीसीएस है तो ठीक है, ये देखो पीसीएस है। ठीक है, एचएसएन कोड क्या है, 52 है। ठीक है, सर्च भी कर सकते हो, आपको देखें मिलता है तो। चलो नहीं मिल रहा, क्या बोलते हैं उसे, गांधी टोपी, गांधी जी ए, क्या था यार, GANDHR। चलो नहीं आ रहा यार, क्लोथ्स लिख सकते हैं, क्लोथ्स क्लोथ्स, ये देखो काफ़ी क्लोथ्स की वो आ गई, जो भी है आप देख सकते हो। इसमें मैंने वैसे ही डाला हुआ था दोस्तों, मैंने इसमें से नहीं डाला हुआ है, मैंने मतलब एक आपको एंट्री बताने के लिए डाला हुआ है। जैसे हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं, यदि आपकी इच्छा है तो हम वो भी चेंज भी कर लेते हैं। यहाँ से एचएसएन कोड आप ढूंढ सकते हो अपना, जो भी है। ठीक है, या जैसे मान लो हम फाइंड कर सकते हैं, यहाँ से फाइंड कर सकते हो गांधी टोपी एचएसएन। यहाँ पे ये देखो एचएसएन गांधी टोपी 52, ठीक है 52 आ रहा है, पर उसका अंदर हो गया ना दोस्तों, और काफी अंदर जाके दो चार तो लिखने होते हैं। ठीक है, चलो 50 से 63 के अंदर ये आता है गांधी टोपी, फिर 52201 के अंदर कॉटन वाली आ गई, इसी के अंदर ये आपकी कॉटन वेस्ट हो गया ना, तो हम चलो इतना ही लिख देते हैं। ठीक है, सॉरी। ओके ओके ओके, ठीक है, यहाँ से इसको काट देते हैं, और ये 52001 लिख दिया। चलो 52001 लिख लो यार, जैसी मर्जी है, 52 लिख दो। ठीक है, फिर ये क्या है, टैक्सेबल है कि नॉन टैक्सेबल है? नॉन टैक्सेबल है, इस पर तो जीएसटी लगती नहीं है, तो एग्जेम्पशन रीजन बता दीजिए भैया। ठीक है, एग्जेम्पशन रीजन क्या है, कुछ है आपने डाला ही नहीं हुआ, तो यहाँ पे लिख सकते हो क्या है, क्या है ये, स्टॉक इन गुड्स इन नेगेटिव लिस्ट, गुड्स इन नेगेटिव, नेगेटिव लिस्ट के अंदर या एग्जेम्पशन लिस्ट के अंदर दे रखा होगा। ठीक है, तो ये डाल दिया हमने। ठीक है, इसके बाद सेलिंग प्राइस पूछ रहे हैं, या परचेज प्राइस, सेलिंग प्राइस कितने बेचोगे और कितने में खरीदोगे, आपको डालनी है, आपकी फिक्स है तो आप डाल सकते हो, नहीं फिक्स है तो इसको हटा दो सेल्स की, पर एक तो डालनी पड़ेगी दोनों में से। ठीक है, ठीक है, चलो यहाँ से, चलो आपने नहीं डाला, फिर देखें सेव करके क्या बोलता है, ये देखो प्लीज एंटर द रेट ऑफ द आइटम, एक तो डालनी पड़ेगी या एटलीस्ट वन तो डालना ही पड़ेगा, तो चलो परचेज डाल देते हैं। ठीक है, परचेज में क्या डालते हैं, या तो आप यहाँ से देख सकते हो कितने रुपए बेच देता है, हमें 230 रुपया देता है ना, आपकी इच्छा नहीं है डालने की तो 0 डाल दो, खत्म बस। ठीक है, और सेव। डिस्क्रिप्शन में कुछ डालना चाहो तो डाल सकते हो, अकाउंट आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ही आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि जब भी हम माल परचेज करते हैं तो वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पार्ट होता है। ठीक है, सेव हमारा हो गया, पहला हो गया गांधी टोपी, अब दूसरा और कर लेते हैं, बिना समय गवाए हुए हमें काफी खराब कर दिया है टाइम।
गांधी यान, ठीक है, और यूनिट विशेष में आती है ये, जो भी है आपको कन्फिगर भी कर सकते हो यूनिट अपनी, जो भी जिस जैसे भी रे आइटम वगैरह आते हैं, HSN कोड डाल दो भैया 52, ठीक है, नॉन टैक्सेबल रीजन आप अपना लिख देना, लिखना जरूरी है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, गुड्स इन नेगेटिव लिस्ट, ठीक है, ठीक है, और एक बार डाल दिया आपने, फिर यहाँ से इसको हटा दो, इसको हटा दो, तो नहीं जीरो कर दो इसको, फिर ठीक है, और सेव कर दो, ठीक है, पहला ही हो गया। अब दूसरी वेंडर की, वेंडर बना लेते हैं, वेंडर के लिए हमें क्या करना, परचेज पे क्लिक करना है, वेंडर पे जाना है, और यहाँ से भी बना सकते हो या हम अंदर एंट्री से बना सकते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले एंट्री बुक करते हैं, ठीक है, तो बिल्स, बिल्स में जाएंगे, एंट्री बुक करनी है तो आपको क्या करोगे, बिल्स में जाओगे, ठीक है, क्योंकि ये बिल्स होते हैं दोस्तों, बिल है, ठीक है, तो बिल्स में आओगे, बिल्स में आने के बाद न्यू पे क्लिक करोगे, है ना, और फिर यहाँ पे ये देखो सिलेक्ट ए वेंडर, ठीक है, यहाँ से क्या करना है, वेंडर टाइप में से वेंडर कौन सा है, न्यू वेंडर, यहाँ से वेंडर क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, और इसका नाम क्या है, हम ऋषि क्लॉथ भंडार डाल देते हैं, ये लो, ठीक है, वेंडर ईमेल वगैरह, फोन नंबर, वेबसाइट, ये चीजें आप डाल देना, मैं नहीं डाल रहा, मैं आपको काम काम की चीजें डाल के बताता हूँ। सिलेक्ट GST ट्रीटमेंट, ये रजिस्टर्ड पर्सन है कि नहीं है, क्योंकि इसने अपना नंबर दे रखा, चाहे माल उसका जीरो रेट वाला हो, चाहे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, फिर राजस्थान का ये भी, इन इंडियन रुपीज ड्यू ऑन रिसिप्ट पे देते हम, ठीक है, कितने दिन के अंदर, ठीक है, या तो ड्यू पे दे देते हैं जब भी ड्यू होता है, TDS कुछ है, TDS वगैरह काटते हो तो ठीक है, अदरवाइज छोड़ दो इसे, फिर उसके बाद क्या हो गया, एड्रेस डाल दो, एड्रेस के अंदर क्या करोगे, ये डाल दो इसका एड्रेस, यहाँ से ये होगा, ठीक है, यहाँ पे मैंने एड्रेस डाल दिया, और यहाँ पे इस कंट्री हमारी इंडिया हो गई, फिर सिटी हमारी इसमें, इसमें बिल में जो दे रखी है आपकी सिटी वो डाल दो, फिर सिलेक्ट राजस्थान हो गया, जिप कोड हो गया मेरा 3301, ठीक है, और यहाँ से शिपिंग और ये दोनों सेम है, तो इसमें कॉपी कर दो और बाकी की चीज़ों को छोड़ के सेव कर, ठीक है, ये क्या बोल रहा है, द कॉन्टेक्ट नेम ऋषि क्लॉथ ऑलरेडी एग्जिस्ट, योर करंट सेटिंग डज नॉट अलाउ यू टू क्रिएट डुप्लीकेट, क्योंकि मैंने कर रखा है ऑलरेडी, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है, चलो मैं नहीं करता, मेरे पास ऋषि बनाया हुआ हुआ, ये देखो ऋषि क्लॉथ भंडार बनाया हुआ है, ठीक है, मैंने डाल रखी है डिटेल, चलो ठीक है, अब क्या करते हैं, बिल नंबर डालते हैं इसका, बिल नंबर कितना था, 01234, ये बिल नंबर डाल दिया इसका, ऑर्डर नंबर कुछ था आपका, परचेज ऑर्डर, परचेज ऑर्डर आपने भेजा कुछ नहीं है, ब्लैंक छोड़ सकते हो, बिल डेट कब की थी, 1/4/21 की थी, 1/4/21 को माल खरीदा मैंने इससे, 1/4/21 को माल खरीदा, ठीक है, अब ड्यू डेट कब है, 1/4/21 को ही पेमेंट करना है उसको, पेमेंट कर दो, यदि मान लो लेट करना 30 दिन बाद, तो 30 दिन उस वो जो भी आपको उधार देता है उतने दिन की, ठीक है, उसमें स्टॉक आइटम कौन सा था, सबसे पहले कौन सी थी, गांधी टोपी थी, गांधी टोपी, ये देखो गांधी टोपी पे क्लिक करूंगा, जैसे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गया, क्वांटिटी पीसीएस में आ गई, ठीक है, और रेट क्या है आपने बताया नहीं है, और नॉन टैक्सेबल है, ठीक है, और क्या है, कस्टमर डिटेल आ गई आपकी, कुछ मान लो कुछ इसमें वो होता ही नहीं, कस्टमर डिटेल मतलब दोस्तों माल भेज रहे हो, मैं बताता हूँ ये कहाँ पे आता है, जैसे मान लो आपने बिल टू शिप टू मॉडल करते हो ना, तब काम आता है ये, जैसे मान लो आपको क्या करना है, आप एक दुकानदार हो, अमेजोन की तरह हो, है ना, उसमें आता बिल टू शिप मॉडल, जैसे वो क्या करता है, माल खरीदता किसी से और भेज देता किसी को, और अपना बीच में बैठा रहता है, तो उसे बोलते हैं बिल टू शिप मॉडल, तो यहाँ पे कस्टमर डिटेल होगी, ठीक है, छोड़ दो उसे, मैं वो भी बताऊंगा आपको कैसे करते हैं, तो पहले कितनी क्वांटिटी खरीदी है हमने, 10 पीस में खरीदी है, तो यहाँ पे 10 पीस कर देते हैं, ठीक है, 10, ठीक है, ये हो गया, और रेट कितनी थी इसकी, क्योंकि हमने 0 लिखा था रेट में, तो हम रेट अब देख लेते कितनी डालनी है, ठीक है, 230, 230, ठीक है, तो 2300 रुपये का टोटल हो गया, इसके बाद क्या करते हैं, एड अनदर, सॉरी सॉरी, एड अनदर नहीं करना था, तो यहाँ से काट देते हैं, एड अनदर ऑलरेडी हो रखी है, गांधी टोपी के बाद क्या करना था, खादियान खरीदना था, खादियान खरीद लिया आपने, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 1 पीसेस, ओके, एंड कितना था इसका, कितना था, 5 पीस, 450 रुपये के हिसाब से था दोस्तों, 5 पीस, ओके, ये लो 5 पीस, एंड एप, और कितने पे था, 450, ठीक है, और बाकी ऐसा का ऐसा छोड़ दो, हाँ, इस पे क्लिक करोगे 2250, टोटल बिल बन चुका है आपका, देख लो कितना अपना है, 4550 रुपये का बिल बना है, किसी ने डिस्काउंट वगैरह दिया है तो हम यहाँ डिस्काउंट डाल देंगे, रुपीज में दिया है तो रुपीज में डाल देंगे, और रेट में दिया है तो रेट में डाल देंगे, कितना परसेंट दिया है, और कोई TDS TCS कटता है आपका तो वो डाल दो, है ना, या आप काट रहे हो तो डाल दो, ठीक है, नोट्स डाल दो कि ये था, और उसका बिल डाल दो, अपलोड करेंगे बिल अटैच फ्रॉम डॉक्यूमेंट, तो जो भी बिल था उसका, मान लो उस पार्टी ने बिल दिया था हमें, सॉरी, हाँ ये बिल दिया था, तो इस बिल को हम अटैच कर देंगे, कि कल को जब भी ऑडिटर मांगे हम उसे प्रोवाइड करा दे डिटेल, ठीक है, और इसे क्या करेंगे, सेवेज ओपन कर ले, जैसे सेवेज ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखिए रिकॉर्ड, अब ये देखिए बिल अपने आप उसका फॉर्मेट करेक्ट हो चुका है, ये था इससे हमने इतना माल खरीदा, ये वो, है ना,
और एज ए डिस्प्ले, जनरल डिस्प्ले देखना चाहते हो तो देख सकते हो, ठीक है। अकाउंट्स पेबल में चला गया या पैसा, अब हमें पेमेंट करना है इसको। पेमेंट कब करेंगे? आज से 15 दिन बाद, 10 दिन बाद, जब भी करना है कर सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों एक चीज़ और बताऊँ, ठीक है, अब यहाँ से चलो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है ना, 400 अकाउंट, यहाँ पे आ रहा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हमने सारी की सारी एंट्री किस में डाल दी है दोस्तों? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ही डाल। अब क्या करना है कि मुझे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं लिखना, वहां पे मेरे को चाहिए परचेज, चाहिए परचेज। मैं चाहता हूँ कि परचेज में एंट्री, तो न्यू अकाउंट यहाँ पे क्या लिखेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं आ रहा तो एक्सपेंस लिख दो भैया, है ना। चलो एक सेकेंड, देखो एसेट्स, लाइबिलिटी, इक्विटी, इनकम, एक्सपेंस, यहाँ पे आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यहाँ पे क्या लिखोगे? PURCHASE, परचेज आना चाहिए, या परचेज, परचेज। और परचेज के अंदर भी मैं चाहता हूँ फिर रेट वाइज आ जाए तो भी कर सकते, स्टॉक वाइज आ जाए तो भी कर सकते, आपकी मर्जी है। स्टॉक वाइज तो आपको जरूरत ही नहीं, आप जैसे भी स्टॉक आइटम में जाओगे ना, स्टॉक वाइज डिटेल निकाल सकते, तो परचेज की जैसी रिपोर्ट चाहिए वैसे निकाल सकते, पर यहाँ पे परचेज लिखे, ठीक है दोस्तों, है ना। यहाँ पे परचेज लिखेंगे और इसके अंदर, किसके अंदर डाल देते हैं इससे, है ना, या तो ये आइटम ऐसा का ऐसा कर देते हैं, इसके अंदर मेक दिस सब बना सकते हैं या तो, ठीक है। तो चलो एक सेकंड, ऐसा का ऐसा रख दिया हमने, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, उस एंट्री को चेंज करते हैं जो हमने कर ली है, उसे परचेज में जाते हैं, जो बिल्स थे इस पे, बिल पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे, जो भी था एसआर वाले पे कर लो या 1 2 3 4 वाले पे कर लो, फिर उसको एडिट कर लो, ठीक है। एडिट करने के बाद यहाँ पे नीचे आ रहा होगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ठीक है। यहाँ से आपको क्या करना है, इसे परचेज में डाल दो, PURCHASE, परचेज, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का पार्ट हो गया। फिर तो चीज़ें है ना, सही तरीके से मेंटेन करोगे तभी बुक्स अच्छी लगेगी, अदरवाइज नहीं लगेगी, ठीक है। सेव, और वैसे ही दूसरे बिल को भी कर लेना जो हमने पहले वाले एसआर मार्केटिंग भी किया था। अब देखें, जैसे मान लो रिपोर्ट देखिए, मैं रिपोर्ट्स बता रहा था ना आपको कैसे निकाल सकते हो, हर चीज की आप रिपोर्ट्स निकाल सकते हो, सीधा परचेज के अंदर आ जाइए, परचेज, परचेज एंड एक्सपेंसेस। ये देखो परचेज बाई वेंडर निकालना चाहते हो, परचेज बाई आइटम निकालना चाहते हो, जैसे मान लो परचेज बाई आइटम चाहिए, मैं बता रहा था ना ये 10 मंथ है, इसको 10 ईयर कर दो। और ये देखो आपने, ये देखो आलमंड्स खरीदे, कितने खरीदे, क्वांटिटी परचेज 100 क्वांटिटी परचेज की, 49,500 की खरीदी है, एवरेज प्राइस थी 495। गांधी टोपी इतने में खरीदी, इतने की पड़ी, खादियान इतने ही खरीदी, इतने की पड़ी, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो? वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर ले, और अगले वीडियो के अंदर हम आपको सिखाएंगे कि कैसे आप इम्पोर्ट कर सकते हो परचेज को एक साथ। सो दोस्तों थैंक यू।